नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोसॉफ्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक DSLR कैमरा ले रखा है और साथ ही साथ मैंने मोबाइल फ़ोन भी ले रखा है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने DSLR कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो और मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपका कोई एजुकेशन चैनल है, अगर आप बोर्ड पर पढ़ाते हो, वहाँ पर आप DSLR कैमरे से काफ़ी अच्छी शूटिंग कर सकते हो और DSLR कैमरे को डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अलावा लोकली जैसे बहुत सारे टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं, जैसे क्रिकेट का कोई मैच हो रहा है या फिर आपका भजन कीर्तन हो रहा है, उसको अगर लाइव करना है आपको, तो बहुत बढ़िया रहेगा, DSLR कैमरे से शूट करो और DSLR कैमरे को डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर लो और लाइव स्ट्रीमिंग कर लो, तो बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम अपने DSLR कैमरे को मोबाइल से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अपने DSLR कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने DSLR कैमरे पर चेक कर लेना है कि वहां पर किस तरह का HDMI पोर्ट दिया गया है, मिनी HDMI पोर्ट है या किस तरह का HDMI पोर्ट है, वो आपको चेक कर लेना है। तो यहां पर मैंने अपने DSLR कैमरे पर चेक कर लिया है, यहां पर मिनी HDMI पोर्ट दिया गया है। ज्यादातर जो कैमकॉर्डर होते हैं या DSLR कैमरा होते हैं, वहां पर मिनी HDMI पोर्ट ही दिया होता है। अब बात करते हैं कि हमें और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक HDMI टू मिनी HDMI केबल ले लेनी है, जिसके एक एंड पर HDMI कनेक्टर हो और दूसरे एंड पर मिनी HDMI कनेक्टर हो। आप देख सकते हो मैंने ये केबल ले ली है, तो इसे भी हम रख देते हैं साइड में और उसके बाद देखते हैं दूसरी हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। HDMI केबल के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी कैप्चर कार्ड की। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर दो दो कैप्चर कार्ड हैं, इनमें से कोई भी कैप्चर कार्ड आप परचेज कर सकते हो। इन सभी एसेसरीज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहो तो वहां से जाकर इन्हें परचेज कर सकते हो। तो हमारा कैप्चर कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद एक चीज की जरूरत हमें और पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको एक इस तरह के अडोप्टर की जरूरत पड़ने वाली है, ये है USB A2 Type-C अडोप्टर। क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में Type-C पोर्ट दिया गया है, इसलिए मैंने जो एडोप्टर लिया है वो है USB A2 Type-C। अगर आपके मोबाइल फोन में माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, तब आपको लेना है USB A2 माइक्रो USB एडोप्टर। तो अब हमारी सारी एसेसरीज तो कंप्लीट हो गई हैं, अब देखते हैं कि हमें इसे कनेक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें अपने DSLR कैमरे के मिनी HDMI पोर्ट पर इस HDMI केबल को कनेक्ट करना है। तो HDMI केबल का जो मिनी HDMI कनेक्टर है, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। HDMI केबल को हमने कनेक्ट कर दिया है अपने DSLR कैमरे से और उसके बाद इस HDMI केबल के दूसरे एंड को हमें कनेक्ट करना है कैप्चर कार्ड पर। तो कैप्चर कार्ड मैं ले लेता हूं, ये हमारा जो कैप्चर कार्ड है, इस कैप्चर कार्ड से हम इसे यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा यहां पर कनेक्ट, आप देख रहे हो, इसे हमें इस तरह से यहां पर कनेक्ट कर देना है। कैप्चर कार्ड का जो दूसरा एंड है, ये है USB A टाइप कनेक्टर है, इसे हमें कनेक्ट करना होगा अपने एडोप्टर पर, जो कि USB A2 Type-C एडोप्टर है, इसे हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। बस हमारा सारा कुछ यहां पर कनेक्ट हो गया है। तो यहां पर मैंने अपना मोबाइल फोन ले लिया है और अब हम इसे सीधा यहां पर कनेक्ट कर देंगे, अपने मोबाइल फोन पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया और उसके बाद मोबाइल फोन पर आपको एक काम और करना है। मोबाइल फोन में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग के बटन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करके जाओगे, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा OTG कनेक्शन। तो यहां पर आपको OTG कनेक्शन इनेबल कर देना है। आपको अपने मोबाइल फोन में OTG कनेक्शन इनेबल कर लेना है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में कोई दूसरी सेटिंग हो, तो वो आपको देख लेना है कि आपके फोन में OTG कनेक्शन कैसे इनेबल होगा, तो वो आपको यहां पर कर लेना है। अब ये सारी चीजें हमने यहां पर कर ली हैं, आप देख रहे हो हमारा पूरी तरह से ये कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद एक चीज हमें और करनी है और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है और यहां पर आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिससे कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो वो ऐप है कैमरा फाई लाइव, यहां पर आपको सर्च करना है कैमरा फाई लाइव गूगल प्ले स्टोर पर। कैमरा फाई लाइव आप सर्च कर लीजिए, जैसे ही आप यहां सर्च करोगे इस तरह से ऐप दिखाई देगा। आप देख रहे हो इसे मैंने पहले ही अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रखा है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और मैं यहां पर ओपन के बटन पर क्लिक कर देता हूं।
हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो कैमरा फाई का ऐप है हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का आ रहा है, इसे हम बंद कर देते हैं। तो हमारा जो कैमरा फाई लाइव है वो इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैमरा स्क्रीन सारा कुछ डिटेल आपका यहाँ पर आ रहा है। इससे आप यूट्यूब पर भी लाइव कर सकते हो, फेसबुक पर लाइव कर सकते हो, ट्विच पर लाइव कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा OBS स्टूडियो से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, बीमिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कैमरा फाई लाइव का ये ऐप बहुत ही कमाल का है, इससे आप बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपको कैमरा फाई लाइव के बारे में ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने DSLR कैमरे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने लगा है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अपना DSLR कैमरा ऑन कर देना है। DSLR कैमरा हमने अभी ऑफ कर रखा है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो हमारा जो DSLR कैमरा है इसे हमें वीडियो मोड पर कर देना है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ, वीडियो मोड पर मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और अब हमें सिंपल, आप यहाँ पर देख रहे हो कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, अब आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पर आ रहा है कैमरा फाई लाइव अलाउ कैमरा फाई लाइव टू एक्सेस USB 3.0 कैप्चर, यानी इसे हमें ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू स्विच USB ऑडियो एज द बेसिक ऑडियो, तो इसे भी आप ओके कर दीजिए। ये सब ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे हो वुड यू लाइक टू स्विच USB कैमरा एज द मेन स्क्रीन, तो इसे भी आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपके DSLR कैमरे का जो व्यू है, जो लाइव फुटेज है, वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देने लगेगी। तो मैं यहाँ ओके पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही यहाँ पर ओके किया, आप देख रहे हो जो हमारे कैमरे का जो लाइव फुटेज है, आप देख रहे हो ये हमारे कैमरे का जो लाइव फुटेज है वो हमारे इस पर आने लगा है। आप देख रहे हो मैं जो भी यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे हमारे DSLR कैमरे का सारा व्यू इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो। और अगर आप इसे इस तरह से रोटेट कर लोगे तो आपका ये लैंडस्केप में आने लगेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ, आप देखो। तो यहाँ पर हमारा DSLR कैमरा हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें करना है लाइव स्ट्रीम। तो कैमरा फाई लाइव से लाइव स्ट्रीमिंग हम कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा फाई लाइव के बारे में ज़्यादा आपको जानना है तो इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अगर हमें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो यहाँ पर आपको यूट्यूब सिलेक्ट कर लेना है, यूट्यूब पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। जो भी आपकी आईडी है उससे आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। अब हम इसे इस तरह से रोटेट कर लेंगे। अब रोटेट करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहां आप देख रहे हो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमें मल्टी कैमरे का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हो कैमरा वन कैमरा टू, आप दोनों कैमरा भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा DSLR कैमरे का ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहा है और दूसरा कैमरा हमारा है ये हमारे मोबाइल फ़ोन का कैमरा है। अगर आप इसे भी यूज़ करना चाहो तो इसे ऊपर वाले को भी आप इनेबल कर सकते हो, यानी आपका जो फेस कैम है वो भी इस पर आ जाएगा और जो भी आप फुटेज दिखाना चाहते हो वो आपके DSLR कैमरे की फुटेज इस पर आती रहेगी। तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देनी होंगी। जैसे हमने यहाँ पर YouTube का सर्वर सिलेक्ट कर रखा है, हमारा जो सर्वर है वो YouTube है। चैनल का नाम, आपका जो भी चैनल है उसका नाम आपको यहाँ देना है। उसके बाद आपको अपना टाइटल दे देना है, टाइटल जो भी आप देना चाहो, डिस्क्रिप्शन देना चाहो डिस्क्रिप्शन दे दो, प्राइवेसी आपको पब्लिक रखनी है क्या रखनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो, जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अब बस कुछ भी नहीं करना, सारी सेटिंग करने के बाद आपको बैक करना है और बैक करने के बाद यहां पर जो बटन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे अब आपका जो भी सुमित शर्मा ब्रॉडकास्ट ये सारा कुछ आ जाएगा, जो आपने टाइटल टैग
जो भी आपने यहाँ पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया होगा सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से DSLR कैमरे को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपको कैमरा फाई लाइव ऐप के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी एसेसरीज परचेज करनी हो तो सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।